राजमार्गों को हम मैप पर तो देखेंगे ही, साथ में वे कौन से जिले से गुजर रहे हैं तो उन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों को हम ट्रिक के माध्यम से भी याद करेंगे और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो भी पढ़ेंगे। और लास्ट में इम्पोर्टेंट क्विज भी है तो वो भी आप जरूर देखना, जिससे कि आपका ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सड़क निर्माता जो है दोस्तों शेरशाह सूरी को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है ढाका से लेकर लाहौर तक जो है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। और वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्गों की जो कुल संख्या है वो 39 है। दोस्तों मैं आपको जो ये आंकड़े बताऊंगा ये 31 मार्च 2017 तक के आंकड़े हैं, ठीक है। नए आंकड़े थोड़े आप अपने लेवल पर देख लेना अगर आ गए हो तो, बाकी 31 मार्च 2017 तक के मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ इसमें इस वीडियो के अंदर। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या जो कितनी है 39 है। और राजस्थान में जो सभी सड़कें हैं उनकी कुल लंबाई कितनी है 2,26,853.86 किलोमीटर। ये हमें रटना है दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है सभी सड़कों की लंबाई कितनी है राजस्थान में 2,26,853.86 किलोमीटर। घनत्व कितना है 66.29 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर जो है अपना घनत्व है। दोस्तों ये है 31 मार्च 2017 तक की सड़कों की सभी सड़कों की लंबाई, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई जो है वो है 8,202.20 किलोमीटर और स्टेट हाईवे की जो लंबाई है वो है 15,437.85 किलोमीटर। मुख्य जिला सड़कों की लंबाई है 8,462.10 किलोमीटर और अन्य जिला सड़कों की लंबाई है 31,431.17 किलोमीटर। और ग्रामीण सड़कों की लंबाई सबसे ज्यादा है 1,63,320.54 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा तो ग्रामीण सड़कों की लंबाई है राजस्थान में और सबसे कम राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है। स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों आप साथ में इसका। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कौन सा एनएच कहां से गुजर रहा है मैप के अंदर। ये जो आगरा से होते हुए मुंबई तक जो एनएच जा रहा है वो है NH3, जो कि राजस्थान के सिर्फ एक जिले से गुजरता है, धौलपुर से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना NH3 राजस्थान के कौन से जिले से गुजरता है, धौलपुर से गुजरता है। और इसको जो नया नंबर अलॉट हुआ है वो है NH44 और इसकी कुल लंबाई 28.29 किलोमीटर राजस्थान के अंदर, ठीक है। ये जो एनएच जा रहा है आगरा से होते हुए बीकानेर तक, ये राजस्थान के 7 जिलों से गुजरता है। इसका नाम है NH11। NH11 और NH76 जो है राजस्थान के 7-7 जिलों से गुजरते हैं सर्वाधिक, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप। ये राजस्थान के भरतपुर और करौली में सिर्फ 4 किलोमीटर के आसपास है इसकी लंबाई। फिर दौसा, जयपुर, सीकर, चूरू और बीकानेर में जाके ये NH15 के अंदर मिल जाता है। इसको जो नया नंबर अलॉट हुआ है वो है 21, 52 और 11। ये एनएच जो जा रहा है लाल कलर में, ये राजस्थान का सबसे बड़ा एनएच है NH15, जिसकी कुल लंबाई लगभग 893 किलोमीटर है। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा एनएच है जो बड़े जिलों से ही गुजरता है, ये आपको इसे ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे बड़ा एनएच जो बड़े जिलों से ही गुजरता है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा एनएच जो है वो है NH44 है, पहले उसका नाम NH7 था। 3,745 किलोमीटर लंबा है भारत का सबसे बड़ा एनएच NH44। तो NH15 जो है राजस्थान के 7 जिलों से होते हुए गुजर रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है हनुमानगढ़ में थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को, क्योंकि रीट में जो प्रश्न आया था उसके अंदर ये आया था कि हनुमानगढ़ यहाँ से नहीं गुजरता है, ठीक है। उसमें आंसर जो था वो था हनुमानगढ़, लेकिन जो PWD की वेबसाइट पर जो PDF दे रखी है उसके अंदर हनुमानगढ़ जिला शामिल है और करीबन इसमें 8 किलोमीटर लंबे बता रखे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, प्रश्न के हिसाब से आप अपने हिसाब से आंसर दे देना। तो ये जालौर, जालौर से बाड़मेर, बाड़मेर से जैसलमेर, जैसलमेर से जोधपुर, जोधपुर से फिर बीकानेर और बीकानेर से हनुमानगढ़ से थोड़ा सा टच होते हुए गंगानगर से होते हुए फिर पंजाब चला जाता है, ठीक है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है 893.50 किलोमीटर इसकी लंबाई है, सबसे बड़ा एनएच है राजस्थान का। ये जो एनएच जा रहा है जयपुर, जयपुर में जो है जयपुर से सीधा मध्य प्रदेश, ये है NH12, ठीक है, जो राजस्थान की जयपुर, जयपुर से फिर टोंक, टोंक से फिर थोड़ा सा भीलवाड़ा और भीलवाड़ा से बूंदी, बूंदी से कोटा और कोटा से झालावाड़ होते हुए मध्य प्रदेश के अंदर चला जाता है। इस एनएच की खास बात यह है कि ये जो है दो राजधानियों को जोड़ने का काम कर रहा है, राजस्थान की राजधानी जयपुर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को ये जोड़ने का काम कर रहा है। कौन सा एनएच? NH12, ये ध्यान रखना है। और इसको जो नया नंबर अलॉट हुआ है वो है NH52। ये जो दो एनएच है ब्लैक कलर के अंदर आए, ये पहला तो है 11A जो दौसा से लेकर जयपुर तक है और ये जयपुर में NH8 में मिल जाता है, और ये 11A का ही विस्तार है जो दौसा से टोंक तक है, ठीक है। ये NH11 को NH12 से जोड़ देता है, 11A का जो विस्तार है, और जो 11A है वो NH11 को NH8 से जोड़ देगा भी आगे। फिर यहीं से दोस्तों एक एनएच एक को निकलता है 11B, ठीक है, दौसा से, जो धौलपुर के अंदर जाके NH3 में मिल जाता है। ये जा रहा है राजस्थान का सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग है NH8, ठीक है,
और इसी एनएच पर एक घूमता फिरता हॉस्पिटल भी है जिसे बोलते हैं ट्रॉमा हॉस्पिटल, वो इसी एनएच पर है। और इसे जो नया नंबर अलॉट हुआ है वो है 4858, ठीक है। दिल्ली से मुंबई तक जाता है ये एनएच, और राजस्थान के 6 जिलों से गुजर रहा है ये। कौन कौन से देखो, इधर से अलवर, अलवर से जयपुर, जयपुर से अजमेर, अजमेर से राजसमंद, राजसमंद से उदयपुर, उदयपुर से फिर डूंगरपुर होते हुए ये मुंबई की ओर चला जाता है। सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 8 नंबर एनएच जो है सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग, यह है NH14, ठीक है, जो सिरोही से निकल रहा है और सिरोही से फिर पाली, पाली से फिर अजमेर चला जाता है, अजमेर में, अजमेर के ब्यावर शहर के अंदर, ठीक है। NH14 3 जिलों के अंदर है NH14, फिर जाके NH8 में मिल रहा है। ये जो NH जा रहा है ये जा रहा है NH65, ठीक है, NH65 जा रहा है ये। और ये जो है पाली जिले से निकलता है और पाली से फिर जोधपुर, जोधपुर से नागौर, नागौर से चूरू, चूरू से फिर सीकर, और सीकर से वापस चूरू में प्रवेश करके पंजाब में चला जाता है ये, ठीक है। राजस्थान के 5 जिलों के अंदर है NH65, और इसे नए नंबर जो अलॉट हुए हैं वो है 52, 58 और 62। दोस्तों ये जिले से आप ध्यान रखना कौन से जिलों से कौन सा NH गुजर रहा है, तो एग्जाम में प्रश्न आते हैं यहाँ से। ये जो NH जा रहा है सिरोही से निकल के सिरोही से उदयपुर, उदयपुर से फिर चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से बूंदी, बूंदी से कोटा, कोटा से फिर बारा होते हुए ये यूपी चला जाता है, यूपी के इलाहाबाद तक, और इसका नाम है NH76। ये राजस्थान के 7 जिलों से गुजर रहा है, ठीक है, राजस्थान के 7 जिलों से गुजर रहा है NH76। और ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का भी हिस्सा है और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का हिस्सा भी है, आगे पढ़ेंगे हम दोस्तों अभी। और NH3 जो था NH3 जो है ये उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का हिस्सा है NH3। ये जो NH है अजमेर से होते हुए भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से फिर चित्तौड़गढ़, ये है NH79 जिसे नया नंबर अलॉट हुआ है 48। दोस्तों अब NH देख, अजमेर का भी ध्यान रखना कितने NH आ चुके हैं क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, तो अभी हम आगे देखेंगे। एक और NH है ये अजमेर से नागौर और नागौर से बीकानेर जा रहा है, तो बीकानेर और 89 नंबर NH जो है कौन से दो शहरों को जोड़ता है, तो वो है बीकानेर और अजमेर को, ठीक है, अजमेर नागौर और फिर बीकानेर में जाके ये मिल जाता है NH15 के अंदर। NH89 को जो नया नंबर अलॉट हुआ है वो है 58 और 62। ये जो ग्रीन कलर में NH गया है ये है NH112। इसकी खास बात क्या है, अपने राजस्थान का सबसे बड़ा NH तो जो है NH15 है, ठीक है, लेकिन पूर्णतया राजस्थान में स्थित जो सबसे बड़ा NH है वो है NH112। करीबन 328 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है, ठीक है। NH112 है जो राजस्थान का पूर्णतया राजस्थान में स्थित NH है, मतलब राजस्थान में शुरू हो रहा है और राजस्थान में ही खत्म हो गया, फिर आगे जाके ये NH14 के अंदर मिल जाता है। पहले यहाँ पे NH65 में मिलता है, फिर आगे जाके NH14 में मिल जाता है। तो ये जो है NH है NH112, ये बाड़मेर से जोधपुर और जोधपुर से फिर पाली तक 3 जिलों के अंदर है ये NH है। दोस्तों इसी NH पर जो है अपना राजस्थान का नवीनतम जिला जो है 33वां जिला प्रतापगढ़, वो इसी NH पर स्थित है NH113 पर, ठीक है। इसे नया नंबर 56 अलॉट हुआ है, तो राजस्थान का जो नवीनतम जिला है प्रतापगढ़ वो कौन से NH पर स्थित है? NH113 पर स्थित है। ये NH जो गया अभी बैंगनी कलर के अंदर, ये NH है NH114 होगा शायद, हाँ NH114 है ये, और ये जोधपुर से लेके फिर जैसलमेर के अंदर जा रहा है। और ये क्या कर रहा है, जो NH65 है, ठीक है, ये थोड़ा ऑरेंज कलर में जो है, और ये ग्रीन कलर में जो NH112, इन दोनों NH को NH15 से जोड़ने का काम कर रहा है। दोस्तों अब जो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है कौन कौन से जिले से गुजर रहे हैं उनको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा देता हूँ, बहुत ही इजी ट्रिक से, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी और याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतनी सिंपल ट्रिक है। देखो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, तो 8 बजे क्या होता है, दारू के ठेके बंद हो जाते हैं सरकारी नियमों के अनुसार, ठीक है, तो हमारी ट्रिक भी उसी पर बेस है ताकि आपको याद नहीं करना, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 जैसे आए तो भाई 8 बजे दारू के ठेके बंद हो जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो आज दारू पियेंगे 8 बजे या फिर आज दारू बंद हो जाएगी 8 बजे, तो ये ऐसी आप आगे सेंटेंस जोड़ लेना। तो ट्रिक क्या है, आज दारू, ठीक है, तो आ से अलवर आ गया, जय से जयपुर आ जाएगा, डी से डूंगरपुर, ऐ से अजमेर, और आर से राजसमंद, और यू से उदयपुर, ठीक है। 8 बजे क्या होती है, दारू बंद हो जाती है, तो आज दारू पियेंगे या आज दारू नहीं पियेंगे, मत पीना वैसे तो, ठीक है ना। तो आपको दोस्तों जिले याद होने चाहिए बस, ठीक है। अगली जो है ट्रिक NH11 की ट्रिक है, दौसा, बीकानेर, सीकर, भरतपुर, करौली और जयपुर के अंदर NH11 है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये नोट कर लेना, इस NH को जो जयपुर से जो है घाट की घुनी सुरंग है जयपुर के अंदर, वो NH11 को जयपुर से जोड़ती है, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या है NH11 की, एक और एक कितने होते हैं, ठीक है, NH11 ना एक और एक कितने होते हैं, 2, ठीक है, तो दौसा,
तो दो बसें भरकर जयपुर गई या दो बसें भरकर जयपुर चली, ये अपनी ट्रिक है। एनएच 11 आ जाए तो आपको क्या करना है, एक और एक कितने दो, और दो बसें भरकर कहाँ गई, जयपुर, दो बसें भरकर जयपुर चली। दो से दौसा, बै से बीकानेर, से सीकर, भर से भरतपुर, कर से करौली और जयपुर से जयपुर, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12, इसकी ट्रिक क्या है, देखो 12 बजे क्या होते हैं, भूतों का जमावड़ा लगता है, 12 बजे क्या होता है, भूतों का जमावड़ा लगता है। तो दोस्तों ट्रिक इतनी सिंपल है कि आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, वैसे तो देखो सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट है, 12 बजे भूतों का जमावड़ा लगता है, जैसे एनएच 12 है भाई, एनएच 12 जैसे आ जाए 12 बजे क्या होता है, भूतों का जमावड़ा लगता है। तो बै से बूंदी, जय से जयपुर, भय से भीलवाड़ा, तो से टोंक, का से कोटा जाएगा और जमावड़ा से झालावाड़, ठीक है दोस्तों। यह है एनएच 12 के प्रमुख जिले, और मैप में लोकेशन भी आप ध्यान रखना कि कहां से कहां जा रहा है, थोड़ा सा टफ टॉपिक तो है ये। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, सबसे बड़ा एनएच और बड़े जिलों से गुजरता है, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक तो यही है इसकी, ठीक है। और वैसे ट्रिक यह है, जोधा बेबी के 15,000 जल गए, जैसे 15 आए तो 15,000 जल गए, किसके, जोधा बेबी के, जोधा से जोधपुर, बै से बाड़मेर, बी से बीकानेर, के को थोड़ा काट देना आप, 15 से एनएच 15 हो जाएगा, है से हनुमानगढ़, जार से जालौर, जल से जैसलमेर और गए से गंगानगर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76, ठीक है, और इसकी ट्रिक क्या है, सभी बाबू को ऊंची छत पर बुलाते हैं, देखो 76 से मैंने वर्ड लिया है छत, और सभी लोग अपने बाबू को कहाँ बुलाते हैं, अच्छा सोना बाबू को छत पर बुलाते हैं, छत पर बात करते हैं, ठीक है। तो सभी बाबू को क्या है, ऊंची छत पर बुलाते हैं, या सभी बाबू को छत पर बुलाते हैं, और छत क्या होती है, ऊंची होती है। तो सह से अपना आ गया सिरोही, भी से भीलवाड़ा, बा से बारा आ जाएगा, बू से बूंदी आ जाएगा, को से कोटा आ जाएगा, ऊ से उदयपुर, ची से चित्तौड़गढ़ और छत से 76 नंबर एनएच आ जाएगा। यह है एनएच 113, और इसी पर राजस्थान का नवीनतम जिला प्रतापगढ़ है, ठीक है, एनएच 113 पर। तो 113 की ट्रिक क्या है, 13 बाप चिड़ोकला है, 13 से ध्यान रखना, 113 13 नहीं है ना, 113 है एनएच, 13 बाप चिड़ोकला है। तो बा से बांसवाड़ा, पै से प्रतापगढ़ और चिड़ोकला से चित्तौड़गढ़, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। ये थी प्रमुख प्रमुख जिलों की जो ट्रिक है, एनएच कौन कौन सा एनएच कहाँ गुजर रहा था। अब हम बात कर लेते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के बारे में। तो दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है, इसके तहत क्या है दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है उसके तहत 4 महानगरों को जोड़ा गया है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो इसमें से जो राजस्थान के एनएच हैं वो हैं एनएच 8, एनएच 76 और एनएच 79। इस योजना के तहत जो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत एनएच 8, एनएच 76 और 79A है जो राजस्थान से गुजर रहे हैं, ठीक है। फिर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर की बात करें तो ये असम के सिलचर से लेके गुजरात के पोरबंदर तक है, और इसमें जो एनएच आ रहे हैं राजस्थान के जो एनएच शामिल हैं पूर्व पश्चिम गलियारे के तहत, वो है एनएच 14 और एनएच 76, ठीक है। तो एनएच 76 जो है दोस्तों, इसका ध्यान रखना, ये पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का भी हिस्सा है और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का भी हिस्सा है एनएच 76, ठीक है। उत्तर दक्षिण जो गलियारा है, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर जो है, जो सिर्फ राजस्थान का एक जिले से गुजर रहा है, वो है धौलपुर से, और इसमें जो एनएच काम आ रहा है, वो एनएच जो शामिल है वो है एनएच 3, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। और भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना जो है 1999-2000 से संचालित है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप ध्यान रख लेना, सीधे सीधे से पढ़ना है अपने को, कि RSRTC यानी कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। सबसे पहले राजकीय बस सेवा यानी सरकारी बस सेवा की शुरुआत 1952 में टोंक के अंदर हुई थी, और ग्रामीण रोडवेज बस सेवा की जो शुरुआत है वो 14 दिसंबर 2012 को उदयपुर से की गई। ग्रामीण रोडवेज बस सेवा की शुरुआत कहाँ से की गई, उदयपुर से की गई। राज्य की पहली सड़क नीति 1994 में घोषित की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, राज्य की पहली सड़क नीति कब घोषित की गई, 1994 में। मुख्यमंत्री सड़क योजना की शुरुआत कब हुई, 7 अक्टूबर 2005 को, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2000 को। सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग वाला जिला पाली है, ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग वाला जिला कौन सा है, पाली है। 7 राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल है इसके अंदर। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला जो है उदयपुर है, 568.70 किलोमीटर। अभी जो नई रिपोर्ट PWD की है, अभी तक एनुअल रिपोर्ट तो आई नहीं है, वैसे वार्षिक रिपोर्ट तो, लेकिन जो अभी जो नई रिपोर्ट आई थी उसके अंदर बाड़मेर आ गया है मेरे हिसाब से, ठीक है, 700 से ज्यादा कुछ किलोमीटर उसकी लंबाई है। और सबसे कम जो है राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई वो करौली में है, 57 किलोमीटर। एक ही जिले में स्थित कौन कौन से एनएच हैं, ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए,
11 सी जयपुर के अंदर है, 71 बी जिसे नया नाम 919 अलॉट हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि राजस्थान का सबसे छोटा एनएच है जो कि अलवर में स्थित है और इसकी लंबाई 4.27 किलोमीटर है। फिर एनएच 76 ए उदयपुर में, 79 ए ये अजमेर के अंदर है, ये किशनगढ़ से नसीराबाद को जोड़ता है, ठीक है, ये इसका तो प्रश्न एग्जाम में आ चुका है 79 ए का। फिर 54 नंबर एनएच है हनुमानगढ़, ये प्रमुख एनएच लिए दोस्तों मैंने, एक ही जिले में स्थित एनएच और भी मिलेंगे आपको, पर बहुत सारे 39 है सारे, तो अब याद करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। ये सड़क विकास से संबंधित एक संस्था है रिडकॉर, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा चुकी है पहले आरएस के एग्जाम में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान, इसकी स्थापना 2004 में की गई थी रिडकॉर की स्थापना, तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद करनी है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 15 ये हमने पढ़ लिया है, सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग 8 है, और पूर्णतः राजस्थान में स्थित सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच 112 है, और पूर्णतः राज्य में स्थित सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है एनएच 79 है, ठीक है, जो कि अजमेर के अंदर है 38 किलोमीटर का। सबसे छोटा एनएच तो कौन सा, 71 बी है, ठीक है, जो अलवर के अंदर 4.7 किलोमीटर, लेकिन पूर्णतः राजस्थान में स्थित सबसे छोटा जो एनएच है वो है एनएच 79 ए। राजस्थान की सबसे लंबी सड़क सुरंग बूंदी में स्थित है, और राष्ट्रीय राजमार्ग के जो मील के पत्थरों पर जो पीला निशान होता है दोस्तों वो तो होता है राष्ट्रीय राजमार्गों का, और जो स्टेट हाईवे होता है वो व्हाइट और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, व्हाइट और ग्रीन कलर का, और जो एनएच का कॉम्बिनेशन होता है वो होता है येलो और व्हाइट का। फिर जो ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन आ रहा है इसका मतलब ये कि ये जिला सड़कें हैं या शहर की सड़क आ गई है, और जो ऑरेंज और व्हाइट कलर में जो है इसका मतलब ये है कि ग्रामीण सड़क है या फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी हुई सड़क है। अब दोस्तों कुछ प्रमुख प्रश्न है, अगर आपने वीडियो थोड़ा अच्छे से देखा है तो बहुत ही आसानी से आप इनके आंसर दे पाओगे, और जरूर देखना इस प्रश्नों को, सारे प्रश्नों को। 31 मार्च 2017 तक राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों का घनत्व क्या था, तो ये था 66.29 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, 31 मार्च 2017 तक राजस्थान में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, वो है 39। 31 दिसंबर 2017 तक राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है, ठीक है, यहाँ पर यह धारण एनएच की पूछी है, 8202.20 किलोमीटर है। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर स्थित नगर हैं, तो एनएच 12 की ट्रिक क्या थी अपनी, 12 बजे क्या लगता है भूतों का जमावड़ा, तो जमावड़ा से देखो एक बार तो झालावाड़ वैसे आ गया याद, तो झालावाड़ किस में, यहाँ पर है, ठीक है, तो चौथा ऑप्शन जो है अपना सही है, 12 बजे, ठीक है, तो वैसे बूंदी आ गया था जैसे जयपुर आ जाएगा। राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना तथा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है, ये मैंने आपको बताया था एनएच 76, ये जो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है। राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, एनएच 15 है, 893 किलोमीटर का है। 31 दिसंबर 2017 तक राजस्थान में सभी सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, तो ये है 2,26,853.86 किलोमीटर, ठीक है, 2,26,853.86 किलोमीटर लंबाई है कुल। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है 71 बी जो अलवर के अंदर है और 4.7 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को एनएच 11 के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो मैंने क्या बताया एक और एक दो, ठीक है, दो सा भी आता है, ठीक है, एक एक दो, दो बसे भरकर जयपुर चली, तो भर से भरतपुर आ जाएगा, कर से करौली आ जाएगा, तो देखो भरतपुर किस किस के अंदर है, तो भरतपुर तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में तीसरे नंबर के अंदर, तो आगरा से होते हुए बीकानेर तक जाता है ये एनएच दोस्तों, ठीक है, दो बसे भरकर जयपुर चली, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन अपना तीसरा नंबर ऑप्शन सही है, आगरा से भरतपुर जयपुर सीकर बीकानेर, ठीक है। राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है, तो ये है एनएच 79 ए जो कि अजमेर में स्थित है किशनगढ़ और नसीराबाद के अंदर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 कौन से दो शहरों को आपस में जोड़ता है, तो ये निकलता है अजमेर से होते हुए नागौर, नागौर से फिर बीकानेर तक जाता है, तो अजमेर और बीकानेर को जोड़ने का काम करता है। कोटा उदयपुर बीकानेर और टोंक में से किस एक नगर से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 गुजरती है, ठीक है, कोटा उदयपुर बीकानेर और टोंक में से किस एक नगर से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 गुजरता है, तो इसकी ट्रिक भी क्या थी कि 8 बजे दारू बंद हो जाती है, तो 8 बजे, तो 8 बजे क्या होती है दारू बंद हो जाती है, तो दारू में लास्ट में यू आ रहा था तो वो उदयपुर आ जाएगा इसका आंसर। और वैसे भी आप ध्यान रखो थोड़ा सा मैप के अंदर भी, मैप के अंदर से कहां जा रहा है, ठीक है, तो बीकानेर तो बिल्कुल साइड में आ गया, एनएच 8 जो है मध्य के अंदर स्थित है, ठीक है, सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि बीच में है, उदयपुर इसका आंसर। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित नगर,
तो 15 जो सबसे बड़ा एनएच और बड़े जिलों से ही गुजरेगा, तो अपने बड़े जिले जो है किस में आ रहे हैं? पहले ऑप्शन में आ रहे हैं गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जो है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? तो सिर्फ एक ही जिले से गुजरता है, कौन से? धौलपुर से। 28.29 किलोमीटर लंबाई है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के बीकानेर तथा जैसलमेर शहरों से होता हुआ पंजाब तक जाता है? बीकानेर से जैसलमेर शहरों से होता हुआ पंजाब तक चला जाता है, तो कौन सा एनएच है? NH 15। ठीक है, मुंबई से होते हुए फिर राजस्थान के अंदर जालौर से प्रवेश करता है, जालौर से फिर बाड़मेर, बाड़मेर से फिर जैसलमेर, जैसलमेर से जोधपुर, जोधपुर से बीकानेर और बीकानेर से हनुमानगढ़ से टच होते हुए श्रीगंगानगर से होते हुए फिर पंजाब चला जाता है। राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई 25 दिसंबर 2000 को हुई थी। जयपुर टोंक बूंदी तथा कोटा झालावाड़ से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। जयपुर टोंक बूंदी कोटा तथा झालावाड़ से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? यह है NH 12। ठीक है, NH 12 की ट्रिक क्या थी? 12 बजे भूतों का जमावड़ा लगता है। ठीक है, तो वैसे बूंदी आ गया अपने, जैसे जयपुर आ गया, और वैसे अपना जो है भीलवाड़ा आ जाएगा, भीलवाड़ा से भी ऊपर जाता है थोड़ा सा, फिर तो से टोंक ध्यान रखो आप, कहाँ से कोटा आ जाएगा और जमावड़ा से झालावाड़। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79, 89 और 8 जहां आकर मिलते हैं वह स्थान कौन सा है? तो यह है स्थान अजमेर है। ठीक है, 79 जो है अजमेर से फिर भीलवाड़ा और भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ होते हुए MP चला जाता है, 89 जो है अजमेर से नागौर और नागौर से बीकानेर चला जाता है, और NH 8 जो है अपने सबसे वेस्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के 6 जिलों के अंदर से होकर गुजरता है, बिल्कुल मध्य में से राजस्थान के। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1964 में। ठीक है दोस्तों, ये थे प्रमुख प्रश्न, और आई होप, आशा करता हूँ मैं आपको कि ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगी है तो ज़रूर बताना, और कोई गलती होगी हो तो प्लीज़ क्षमा कर देना, छोटा भाई समझ के। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।